सो हे गाइस, वेलकम टू गेट टिप्स। गाइस यहाँ पे एप्पल ने अपने नया सॉफ्टवेयर का वर्जन iOS 13.5.1 को लॉन्च किया था, और उस अपडेट में एप्पल ने यह बताया था कि ये जो अपडेट है ये सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अपडेट है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी के बग को फिक्स किया गया। और मैंने उस टॉपिक पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया था कि ये अपडेट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, और उस अपडेट को कैसे किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आपने अपने आईफोन में iOS 13.5.1 को अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपको डिस्प्ले से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को फेस होते रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास iPhone 11 या उसके ऊपर के फोन है, iPhone 11 Pro है या Max है, तो आपको डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हुआ हो। उसके अंदर क्या हो रहा है कि जब आप नाइट मोड और नाइट शिफ्ट को जब ऑन कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो ग्रीन हो जा रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर जिसके पास iPhone 6 के ऊपर फोन है, यानी iPhone 6 या 7, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि जिनके iPhone में iOS 13 सपोर्टेड है, अगर वे लोग iOS 13.5.1 को अगर उन्होंने अपडेट कर लिया है तो उनको डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे। जी अगर मैं खुद की पर्सनल यूज़ की बात करूँ तो मेरे पास iPhone 6s है, और उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब भी मैं कोई भी वीडियो को प्ले कर रहा हूँ YouTube पे या फोटोज़ में, जब मैं होम बटन को टाइप करके जब स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है कि जो मेरा डिस्प्ले है वो ज़्यादा लाइट हो जा रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद तो नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर iPhone 7 की बात करें तो वे लोग जब अपने डार्क मोड को डिसेबल करते हैं, यानी जब वो डार्क मोड को हटाते हैं, तो उनकी स्क्रीन पर लाइंस आ जाते हैं, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि उनका डिस्प्ले खराब हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि यह कोई हार्डवेयर इशू नहीं है। जी हाँ, तो इस बात को क्लियर कर लें, यह कोई हार्डवेयर इशू नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर इशू है जो कि iOS 13.5.1 में देखने को मिल गया है। हो सकता है एप्पल अपने अगले अपडेट में iOS 13.5.2 में या फिर हो सकता है iOS 14 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह कोई हार्डवेयर इशू नहीं, यह एक सॉफ्टवेयर इशू है। अगर आपने इस iOS 13.5.1 को अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले अपडेट का। मे बी अगर आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो प्लीज अपडेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपडेट करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम फेस होने को मिल जाएगी। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे टेक न्यूज़, मोबाइल के टिप्स के वीडियो देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।